और एनआईए ने एंटीलिया मामले की जांच का जिम्मा लेने के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। एनआईए की टीम मृतक मनसुख हिरेन के घर भी पहुंचेगी और तमाम एंगल्स पर जांच पड़ताल शुरू करेगी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी कार बरामद होने और मुख्य गवाह मनसुख हिरेन की रहस्यमय मौत के बाद एंटीलिया कांड की जांच में जुटी एनआईए एक्शन मोड में आ गई है। अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में एनआईए ने अलग अलग धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। एनआईए ने पूरे मामले के जांच के लिए 3 विशेष टीम बनाई है, जिसके इंचार्ज आईजी स्तर के अधिकारी होंगे। एंटीलिया मामले में 6 केस दर्ज, 3 टीम करेगी जांच। मुंबई पुलिस से मांगी गई जांच रिपोर्ट, एनआईए ने दर्ज बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी मांगी। मृतक मनसुख हिरेन के घर जाएगी जांच टीम, एनआईए की एक विशेष टीम मुंबई के लिए रवाना होगी। एनआईए की जांच टीम एंटीलिया में तैनात मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। इस बीच मनसुख की पत्नी ने एटीएस को दिए अपने बयान में मनसुख की हत्या का शक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे पर जताया है। सचिन वजे ही कार में जिलेटिन मिलने के बाद मामले की जांच कर रहे थे। मनसुख हिरेन का शव कलवा मुम्बरा से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।